हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर बहुत जल्दी रिटर्न आ रहे हैं और ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके WWE चैंपियन बॉबी लैशली को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैशली को चैलेंज करेंगे तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के मैच में कौन जीतेगा? क्या बॉबी लैशली अपने टाइटल को बचाने में कामयाब हो पाएंगे या ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को हरा के न्यू WWE चैंपियन बन जाएंगे? अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब जानना है तो इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को शुरू। पॉलीमैन ने एक इंटरव्यू दिया है जिस इंटरव्यू में पॉलीमैन ने यह जिक्र किया है कि जुलाई 2021 को ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं। पॉलीमैन ने जुलाई 2021 का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जुलाई 2021 को WWE लाइव ऑडियंस वापस आने वाली है तो इसलिए ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न आ सकते हैं। ये तो बात हुई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में। अब इस बारे में बात करते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएंगे तो वो क्यों बॉबी लैशली को WWE टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, जब बॉबी लैशली द मिस को हरा के न्यू WWE चैंपियन बने थे तब बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर के बारे में एक इंटरव्यू में बात की थी। बॉबी लैशली ने यह कहा था कि जब ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन थे तो वो चाहते थे कि उनका मैच ब्रॉक लेसनर के साथ हो, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उन्हें कभी भी WWE चैंपियनशिप का मौका नहीं दिया, लेकिन अब वो WWE चैंपियन बन चुके हैं और वो ब्रॉक लेसनर को मौका देना चाहते हैं। बॉबी लैशली ने अपने इंटरव्यू में यह कहा था कि वो चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके बॉबी लैशली को WWE टाइटल के लिए चैलेंज करे ताकि बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को हरा सके और ये दिखा सके कि बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर से अच्छे फाइटर। अब जब बॉबी लैशली ने अपने इंटरव्यू में इतनी बड़ी बात बोली दी और ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ ही रहे हैं तो इस बात के चांसेस है कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को चैलेंज करे। अब सवाल ये है दोस्तों कि अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते और ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को चैलेंज करते तो इस मैच का विनर आखिर कौन बनेगा? क्या बॉबी लैशली अपने टाइटल को बचा पाएंगे या ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को हरा के न्यू WWE चैंपियन बन जाएंगे? देखिए दोस्तों, अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके बॉबी लैशली को चैलेंज करते तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को हरा दे और ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को हरा के एक बार फिर से WWE चैंपियन बन जाए, इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। तो हम ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते हैं तो ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को WWE टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को हरा दे और ब्रॉक लेसनर न्यू WWE चैंपियन बन जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रॉक लेसनर न्यू WWE चैंपियन बन पाएंगे या नहीं? ये सारी बातों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपसे कोई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।